आज राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाली खबर झारखंड से निकलकर आई है, जहां जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और साथ ही विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीता सोरेन झामुमो मुक्ति मोर्चे के प्रमुख रहे शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। वो दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा, मैंने 14 साल झामुमो के लिए काम किया, लेकिन मुझे कभी भी पार्टी से वो सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। इसी के कारण मुझे ये फैसला लेना पड़ा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह पर भरोसा जताते हुए मैं आज भाजपा में शामिल हुई। हमें झारखंड और अपने आदिवासी भाइयों के जीवन को बचाना है। झारखंड में बदलाव की ज़रूरत है। हाल ही में नोट के बदले वोट केस मामले में सीता सोरेन का नाम तेजी से सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करना होगा, जो पहले से ही 2012 के खरीद फरोख्त मामले में गवाहों से पूछताछ कर रही है। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत बुरी खबर है। हम उन्हें पार्टी का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं। हमें उम्मीद है कि वो फिर से विचार करेंगे। इस पार्टी से उन्हें जिस तरह का सम्मान मिला है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कहीं और मिलेगा। अगर वो उन लोगों के प्रभाव में आती हैं जो हमारा विरोध करते हैं, तो वो खुद को नुकसान पहुँचा रही हैं। साल 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे का झामुमो के तत्कालीन महासचिव व दुर्गा सोरेन के बोकारो में संदेशपा स्थिति में मौत हो गई थी। वो उस वक्त महज 39 साल के थे। मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया।